हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित डागर। मेरे नए यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब इन्फो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक और नया टॉपिक बताऊंगा और आपको एक मैं नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ आर्मी रिलेशन से रिलेटेड। उसमें क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम बंदे भर्ती देखते हैं, सेकंड टाइम देखते हैं, तो दोस्तों उनको ज़्यादा आइडिया नहीं हो पाता है कि भर्ती में क्या प्रोसेस होता है, क्या सिस्टम होता है, मतलब क्या मेडिकल प्रोसीजर होता है, क्या रनिंग, क्या डॉक्यूमेंट, क्या रिटर्न, जो भी है। मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूँगा कि मैं किस सीरीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा कि जो सीरीज़ है मैं एक स्टार्ट करने वाला हूँ कि हर सेंटर में मैं आपको पूरी डिटेल दूँगा उसकी, कि सबसे पहले रनिंग होती है, फिर डॉक्यूमेंट होते हैं, फिर मेडिकल होता है, फिर से एक बार डॉक्यूमेंट होते हैं, फिर उसके बाद आपका रिटर्न होता है। तो मैं आपको बताऊँगा हर सेंटर का प्रोसीजर क्या क्या होता है पूरी डिटेल में, क्लियर में, जब भी आपको ये वीडियो अपलोड करूँगा। ऐसा नहीं कि मन चाहे अपनी मैंने बोल दिया भाई ऐसा करिए वो और वो। तो भाई, सबसे पहले जो मैं वीडियो डालूँगा वो EME की होगी, क्योंकि ये मेरा सेंटर है दोस्तों, और इसमें इससे ज़्यादा मैं अपने सेंटर से ज़्यादा मैं किसी और सेंटर को नहीं जानता। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने EME सेंटर है जो उसका डालूँगा, भोपाल और सिकंदराबाद का क्या प्रोसीजर होता है, दोनों का बताऊँगा। और अगर आप EME से हो तो आपको मैं बताऊंगा कि फ़र्स्ट टाइम अगर भर्ती देख रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको रुकना कहाँ पे है भोपाल और सिकंदराबाद में, आपको क्या स्टेशन पर रुकना चाहिए, क्या आपको होटल लेना चाहिए, क्या आपको कोई रूम लेना चाहिए, सब मैं आपको वीडियो में क्लियर करूँगा। जो भी है नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो उस टाइप पे आएगी, और जो भी मैं अपलोड किया करूँगा वीडियो वो 7 बजे और एक सुबह 3 बजे और सांझ के 7 बजे मैं अपलोड किया करूँगा। दो वीडियो आए करेंगी, एक तो हमारी जो 3 बजे वीडियो आए करेगी वो दोस्तों हम बनाए करेंगे कि किस सेंटर में किस महीने भर्ती है, और जो 7 बजे अपलोड हुआ करेगी वो दोस्तों मैं आपको बताया करूँगा आर्मी से रिलेटेड। जो भी रिलेशन भर्ती में फर्स्ट टाइम देखने जाते हैं बंदे, उनको कोई डॉक्यूमेंट के बारे में, कोई भी जो प्रोसेस होता है उसके बारे में। और मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं भाई क्या चूतिया बना रहा है, क्या वो कर रहा है, वो कर रहा है। तो भाई, मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे लोग जो होते हैं खुद ये सोचते हैं कि मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो भाई, मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप मेरे चैनल को भी सक्सेस मत करो सब्सक्राइब, आपके लिए ये चैनल भी है नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो मेरे इतने सब्सक्राइबर हुए हैं ये कुछ ऐसे बंदे हैं जो फर्स्ट टाइम भर्ती देखते हैं या सेकेंड टाइम भर्ती देखे हुए हैं। तो आप ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हो तो आप अपना खुद का खोलिए, नहीं तो बेशक से हमारे चैनल को देखना बंद कर दीजिए। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि तू देख और वो कर, ठीक है भाई। और मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी सेंटर हैं आप कमेंट कीजिए अपने सेंटरों को, जिस जो सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे जिस सेंटर के, मैं उसके बारे में प्रोसीजर बताऊँगा कि भाई इस सेंटर में ये गोल राउंड होता है, इसमें ट्रैक होता है, इसमें 1600 इसमें फुल टाइम दिया जाता है, इसमें फुल टाइम नहीं दिया जाता है, कोई सी भी रेजिमेंट, सेंटर, कोर, कुछ भी हो मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, और मैं ये भी बताऊंगा कि मेडिकल में कितने बंदों का ग्रुप बनता है, कितने बंदों का बैच बनता है, और कितनों को फिट किया जाता है, कितनों को अनफिट किया जाता है। और रिटर्न में भी मैं आपको ये बताऊंगा अप्रोक्सीमेट कि कितने बंदे बैठते हैं GD में, टैक में, NA में, और ट्रेडमैन में, और क्लर्क में, और स्पोर्ट्स में, जो भी है मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, और जो भी कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझे शेयर करें, और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने मेरे जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भाई यहाँ पे हो चुका हमारा फुल। मैं आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिखा देता हूँ, यहाँ पे हमारा फाइनली ग्रुप हो चुका है फुल, 255 बंदे हो गए हैं और 3 यहाँ पे ऐड होते हैं ही हमारा व्हाट्सएप ग्रुप हो जाएगा फुल। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सरकारी जॉब इन्फो 2 कर दूँगा, तो आप उसमें भी ऐड हो सकते हो, अगर होना होगा तो आपको, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बहुत सारे बंदे ऐड हुए पड़े हैं, आप वहाँ पे ऐड हो जाइए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे बंदे ऐड हो सकते हैं। और मैं आपको बताऊँगा कि और कोई भी सीरीज़ या टॉपिक मिलता है तो उसके ऊपर मैं डेली वीडियो बनाया करूँगा। अगर दोस्तों आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो दोस्तों हमें प्लीज़ कमेंट किया करो, भाई बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, ऐसे बनाते रहो, तो इससे क्या होता है भाई मुझे हिम्मत मिलती है। और कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो मतलब ये बोलते हैं कि भाई ऐसा मत कर, ये मत कर, वो मत कर, भाई उससे क्या होता है भाई मेरा मूड ख़राब होता है। एक सो भाई मुझे मैसेज करने लगा व्हाट्सएप पे और उस पर कमेंट में मेरी वीडियो के में, भाई क्या चूते बना रहा बंदों को, ऐसा मत कर। और उसने ये बोला, और दूसरे जो मेरा सब्सक्राइबर उसने, भाई इन चूतियों के ध्यान मत दे, आप बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हो, बनाते रहो। तो भाई मुझे उस भाई ने ऐसे मैसेज किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने बता दिया आपको हमारे चैनल के बारे में।
और मैं देखता हूँ और कोई अपडेट मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा भाई, जो भी आर्मी से रिलेटेड होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक्स टू वॉचिंग, बाय बाय।